ये कहानी है पेडी रेड्डी और गंगा रेड्डी की, जो जिगरी दोस्त से जानी दुश्मन बन गए। और वजह थी 1000 एकड़ की वो जमीन जिस पर दोनों कब्जा करना चाहते थे। उन दोनों की दुश्मनी और लालच के शिकार बने गांव के मासूम लोग। उनके घर जलाकर उन्हें बेघर कर दिया गया। पेडी और गंगा की दुश्मनी बढ़ती चली गई। गंगा रेड्डी को मारने से पहले मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना और उसके हिस्से की जमीन हथिया लेना। ये है पेडी रेड्डी, अपने गांव का सरपंच और गंगा रेड्डी का सबसे बड़ा दुश्मन। जो भी उसके रास्ते में आया, उसने बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। बॉस, पेडी रेड्डी जमीन की तरफ जा रहा है। मरेगा वो। उसे मार कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे जमीन में गाड़ दो और उसके हिस्से की जमीन किसी भी तरह हथिया लो। आज से वो जमीन मेरी है, समझे? ये है गंगा रेड्डी, अपने गांव का सरपंच और पेडी रेड्डी का सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों पर हर तरह के जुल्म ढाए, गांव के गांव जला दिए। विरोध करने वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अब सारी जगह वीरान हो चुकी थी। असल में इस जमीन में आयन ऑर होने का पता चला था, जिसकी वजह से ही पेडी और गंगा इस जमीन को हथियाना चाहते थे। इन खनिजों की असली कीमत अरबों रुपयों में आकी जा रही थी, लेकिन गांव वालों के लिए ये भूमि उनका वजूद था, उनकी माँ थी, और इसीलिए इस जमीन को वापस पाने के लिए उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। हम सबके लिए हमारी जमीन हमारी माँ है। पेडी रेड्डी और गंगा रेड्डी हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। हम सब मिलकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। खुद को बचाने के लिए दोनों ने एक वकील से मिलने का फैसला लिया। उस 1000 एकड़ जमीन को लेकर गांव वालों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका कोई तो रास्ता होगा। देखिए, अलग होकर आप दोनों कमजोर हो गए और गांव वाले एक हो चुके हैं, इसलिए अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए आप दोनों को अब एक होना होगा, फिर से दोस्त बनना होगा। ये मुमकिन नहीं, कोई और रास्ता बताओ। जो जरूरी था वो सब मैं कह चुका हूँ। अब एक होकर जमीन अपने पास रख सकते हैं या फिर दुश्मनी पाल कर आराम से जेल जा सकते हैं। बेकार में जेल कौन जाना चाहता है। सालों पहले गंगा रेड्डी और पेडी रेड्डी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लोग उनकी दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी कि दोनों दुश्मन बन गए। लेकिन आज पेडी रेड्डी की बेटी की शादी गंगा रेड्डी के बेटे से होने जा रही है और गंगा रेड्डी की बेटी की शादी पेडी रेड्डी के बेटे से होने जा रही है। सही है, क्यों इतने खुश हो रहे हो? गांव के गरीबों से छीनी हुई 1000 एकड़ की जमीन को खोने के डर से दोनों दुश्मन आपस में रिश्तेदार बन रहे हैं। अरे भाई, जरा सोच के देखिए, मतलब के रिश्ते टिकते हैं क्या? मुझे तो इस रिश्ते के होने पर ही शक है। मुझे तो फुल डाउट है भाई। तुम दोनों चुप रहो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। देखो, दूल्हा आ गया। आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ हाँ खा लिया। वैसे आपके पापा कहाँ हैं? पापा दिल्ली से आए हुए एमपीज और मिनिस्टर्स को अटेंड कर रहे हैं। ओह अच्छा। दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए साड़ी भेजी है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग मुझे बहुत डर लग रहा है इंदु। डोंट वरी, किरण यहाँ के पेट्रोल पंप पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ जाने के बाद तुम दोनों विजयवाड़ा से 7 बजे की मुंबई की फ्लाइट लोगे और मुंबई से 11 बजे की कनाडा की फ्लाइट, और इस दुनिया से तुम लोग बहुत दूर चले जाओगे। क्या ये इतना आसान है? सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, बस अपने प्यार पर और भगवान पर भरोसा करो। चलो। आहा, फेसबुक और ट्विटर देखकर इतना तो समझ आ गया था कि तुम्हारा कोई और जरूर है। तुम्हारी शादी और तुम्हारे यार की मौत एक ही मुहूर्त पे होगी। शादी होने के बाद तुझे अपनी नखैल बना लूंगा। अपने लवर को फोन कर रही हो या पुलिस को? छोड़ूंगा नहीं तुझे। हेलो,
आप प्लीज मेरी मदद। हेलो, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। आपको किसका नंबर चाहिए? हेलो, मेरे दोस्त बहुत से बात करनी है आपको। क्या करूं? रोहित, रोहित से बात करती हूँ। हाँ भाई बोलो, कौन चाहिए? प्लीज भगवान, किसी ऐसे इंसान को फोन लगाना जो उनकी मदद कर सके। फोन का कीपैड खराब हो गया है। हाय पापा, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। इस वक्त हाईवे पर एक गैरेज में हूँ। कार खराब हो गई, कहा था ना ड्राइवर साथ ले जाओ। कार हो या जिंदगी, स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखना पसंद करता हूँ। ये नंबर किसका है बेटा? मेरी मोबाइल की बैटरी लो थी, इसीलिए मैकेनिक से फोन लेकर बात कर रहा हूँ। आप आराम से सो जाइए, कल सुबह जल्दी पहुँच जाऊंगा। मॉम को मत बताइएगा। ये मैकेनिक कहाँ गया? सुनो, तुम्हारा फोन बज रहा है। अपने पास ही रखो, मैं पंचर बनवा के आता हूँ। चल बे। प्लीज प्लीज प्लीज। कोई और मुसीबत में फंसा होगा। हेलो सर, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ लोग मिलकर मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं। आप क्या बोल रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपने गलती से रॉन्ग नंबर डाल किया, नंबर चेक कीजिए। रुकिए सर, प्लीज, यही मेरे लिए सही नंबर है। फोन मत काटिए क्योंकि मेरा फोन कभी भी बंद हो सकता है। प्लीज उन दोनों प्रेमियों को बचा लीजिए। पूरी बात बताइए। मेरी दोस्त पूर्वी और किरण। इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? नेल्लोर ले पैलेस। हेलो हेलो हेलो, उस लड़के के साथ जिंदगी बिताने के लिए प्यार किया था, मरने के लिए नहीं। तुम्हारी सहेली ने सब बता दिया, चलो अब जल्दी से अपनी बेटी को बुलवाइए। विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, नागाननाय, श्रुति यज्ञ विभूषिताय, लंबोदराय, सकलाय, जगद्धिताय, गौरीसुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। दूसरे मंडप में भी लड़का लड़की को बिठाइए। दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। आप दोनों परिवारों के स्वार्थ के लिए अपने प्यार और खुशियों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गंगाराम ने फिर से अपनी औकात दिखा दी, छोड़ना मत उसे। इन दोनों परिवारों की दुश्मनी कभी खत्म ही नहीं होगी। इनकी लड़ाई में फिर से एक लड़की की शादी रुक गई, अब तो भगवान ही बचाए। छोड़ूंगा नहीं साले को, मैं अभी जाकर उसे घसीट कर लेकर आता हूँ। भैया मैं खुद जाकर उसे यहाँ मंडप में लेकर आऊंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। सारी गाड़ियां निकालो। चलो जल्दी, वो खुद के चलने लगा है। जल्दी करो, चलो। तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी इस लड़की की प्रॉब्लम समझ। ये मेरी होने वाली बीवी है, समझा? तू इधर आ। मैं मरना पसंद करूंगी पर इससे शादी नहीं करूंगी। सुन लिया ना, अब निकल। ए, साले तू है कौन? दोस्त है, लवर है या फिर इसका पति है, बता। किसी मजबूर लड़की की मदद करने के लिए उसका दोस्त, पति या प्रेमी होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए। अच्छा, ए, इसका सिर काट और लड़की को इधर लेकर आ। Yeah.
मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। इस शहर का सबसे बड़ा बाहुबली डी ब्रदर्स का चेयरमैन धनंजय। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शहर का मेयर बनना। ये वो सब धंधे करता है जिनसे आसानी से बहुत सारा पैसा आए, जैसे जमीनों पर कब्जा करना, शराब माफिया, बिल्डिंग्स बनाना। दामोदर और दिवाकर इसके दो भाई हैं। सिर्फ इनका खून ही नहीं बल्कि इनकी शैतानी सोच भी एक जैसी है। हाल ही में हुए कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जीते हुए कॉरपोरेटर्स को धनंजय ने खरीद लिया है, सिवाय एक के। अब धनंजय के मेयर बनने का सपना सिर्फ उसी के वोट का मोहताज है। भाई, कॉरपोरेटर महेंद्र, उसकी पत्नी और उसका बच्चा हमारे कब्जे में है, एकदम सुरक्षित। देखना, अब ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में आकर आप ही को वोट देगा, और अगर नहीं देगा तो मैं इसकी फैमिली को चाकू से ठोक दूंगा। मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। डर के हाँ बोल दिया। होशियारी से किसी भी हालत में उसका वोट हमें ही मिलना चाहिए। आप तो जश्न की तैयारी कीजिए, समझ लो कि आप मेयर बन चुके हैं। शपथ लेने के लिए कोई अच्छा सा कुर्ता खरीद लो। आप आज के बाद पूरे हैदराबाद में आपके सामने कोई भी सिर नहीं उठा पाएगा। Let's go.
किसने भेजा भी तुझे यहाँ? शेर खुद के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम टाइगर है, यंग टाइगर। अब शराफत से कॉर्पोरेटर और उनकी फैमिली को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत होऊंगा। ओ अच्छा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ पर आके तो हम सबको धोएगा, इसे रगड़ के धो रहे। रुको, अगर तुम सब ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बेहतर है मुझसे दूर रहो। टूटे हाथ पांव का इलाज महंगा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। किसी टपरी पर चाय पीते हैं, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तुम भी खुश और मैं भी खुश, फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में तुम अपने हाथ पांव मुझसे तुड़वाओगे और फिर मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं कुछ और ही करूंगा। ऐसा कुछ बोल जो समझ में आए। मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा। हम क्या खड़े खड़े तेरा मुंह देखेंगे? ए मारा रे! तेरा दोस्ताना वाला ऑफर अच्छा है, वो तो सुना है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू मैं और मोदी की चाय पीकर दिल का कमल खिल उठेगा। वन टाइम ऑफर था, एक्सपायर हो गया, अब तू भी एक्सपायर हो जाएगा। ए भाई, करना पड़ेगा। थर्ड एम्पायर 2020 शुरू करो। चेत्रो ना, बंदर मदारी से नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें कुछ कहना चाहूंगा। तुम्हें बुलेट पर देखते ही समझ गया कि तुम बुलेट राजा हो। किसी को मारना हो तो बुलेट बन जाता है, और जब किसी को तबाह करना हो तो बुलडोजर। पागल हो गए हैं क्या आप? मेयर नहीं बन पाया तो क्या फायदा, पागल हो जाऊंगा मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसने किया ये सब? कौन था वो जिसने ये सब किया? कौन था वो? बोल कौन? मैं नहीं जानता भाई, इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। दिखने में कैसा था? कैसे दिखता था वो? दिखने में शिकार करता हुआ टाइगर जैसा था। मुझे वो आदमी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। लगता है ये उसे जानता है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जो चाहोगे दे दूंगा, सिर्फ उसका नाम बताओ। मेरा नाम ले सके इतनी हिम्मत तेरे किसी चमचे में नहीं। मैं वो हूँ जो यहाँ तेरा पॉलिटिक्स खत्म करने आया है। कौन हो तुम? नाम जानना जरूरी नहीं है, बस काम की तीन बातें याद रखना। नंबर वन, जिस मेयर की पोस्ट को पाने के लिए तू इतना तड़प रहा है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। नंबर टू, जिस नाम इज्जत और शोहरत का तुझे इतना घमंड है मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे सामने आ। तीसरी बात ये कि जब तेरी किस्मत खराब होगी तू मुझे सामने पाएगा। कौन है ये आदमी? ये है कौन? ये वो मॉम का फोन है। हेलो। हाँ मॉम। कैसे हो बेटा, अपना ख्याल रख रहे हो ना? टाइम पर खाता हूँ, टाइम पर सोता हूँ, अभी भी सो ही रहा था। अभी तक? इस वक्त अमेरिका में रात के 12 बजे हैं मॉम, इंडिया में भी 12 बजे हैं। हाँ, इसने तो इंडिया के दिन को अमेरिका की रात बना डाला। अरे चुप कर यार। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। तुम तो हमारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए आए हो ना, ये मेयर के साथ झगड़ा क्यों कर लिया? तुमने माँ से झूठ क्यों कहा कि तुम यूएस में हो? मेरे गाँव के लोग मुझे बहुत चाहते थे, वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है जी।
बेटा वैसे तो हमारी बेटियों के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है। ये सब क्या है पापा? सब अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं, हमने तो कह दिया जो होगा तुम्हारी मर्जी से। हाँ, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर कोई भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। बेटा तुम हम में से किसी की भी बेटी से शादी के लिए हाँ कहो तो हम सबको बहुत खुशी होगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथों में नहीं, मेरी माँ के हाथों में। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि इन्हीं की पसंद से शादी करूंगा। बताइए मॉम, इनमें से किसकी बेटी पसंद है? चिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। चिट्टी मेरी दोस्त थी, हमें एक साथ पले बड़े हैं। श्रीवल्ली में मेरे पापा के दोस्त रहते हैं धनंजय। चिट्टी उन्हीं की बेटी है, बचपन में ही मेरी शादी उससे तय हो गई थी। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। चिट्टी बड़ी होकर हमारे घर की बहू बनने वाली थी। अब निकलते हैं भाभी। अच्छा चिट्टी मेरे पास आ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। इसे 2-3 दिनों के लिए यहीं पर छोड़ दो ना। अच्छा ठीक, अच्छा चलते। मालिक, धनंजय जी की कार का एक्सीडेंट हो गया मालिक। भाभी मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी को माँ का प्यार देंगी और बड़ी होने पर अपने घर की बहू बनाएंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ चिट्टी मेरी बहू बनेगी। और उस दिन से मेरी मॉम ने चिट्टी को अपनी बेटी जैसा पाला। लेकिन एक दिन रामचंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि पंचायत का प्रेसिडेंट बनते ही ये जमीन के कागजात लौटा देंगे। आपके कहने पे हमने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया था और इन्होंने हमारी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए किसी और को बेच दी। एक किसान की आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं और तुझ जैसे गलत इंसान की झुकी हुई होती हैं। तुम प्रेसिडेंट पद के लायक नहीं, अभी रिजाइन करो। तुम्हारे पति ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया है, उसे और गांव वालों को दिखाऊंगा ये धनंजय क्या बड़ा है। मैं चिट्टी को अपने घर की बहू मान चुकी थी। पापा, अंकल गांव से क्या चले गए, उन्होंने हमें भुला दिया। चिट्टी की माँ गुजर गई और वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मॉम ने आज तक अपना दिया हुआ वादा नहीं भूला है। मॉम के लिए आप ही उनके सब कुछ हैं, आपको भी उनके जज्बात समझने चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का रिश्ता पहले से तय हो चुका है। अरे आइए आइए आइए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्तों ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, गांव में सरपंच बन गए हैं, ठीक कह रहे हो ना, ये सब यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, बैठिए बैठिए। हाँ तो कहिए कैसे आना हुआ। बात बहुत ही खास है, इनके बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। सच कह रहे हो, क्या ये सच है? ए दिवाकर, दामोदर यहाँ आओ, आओ सब आओ। सुना तुमने, मेरा दोस्त सब पुरानी बातें भुलाकर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। रामचंद्र, मेरे घर में आकर मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो उठ। ये क्या रामचंद्र, पहले तो पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की और आज यहाँ मुंह उठा कर चले आए। ओ शायद तुम्हें पता चल गया कि मैं मेयर बनने वाला हूँ, हैं? या फिर मेरी बेशुमार दौलत देखकर भिखारी के मन में लालच पैदा हो गया, हैं? आज मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े करोड़पति और सेलिब्रिटीज सिर्फ मुझसे अपॉइंटमेंट पाने के लिए तरसते हैं और तू मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। तेरे औकात मेरी जूती से भी कम है। धनंजय, ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे गांव का वो कमजोर धनंजय नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। डी ब्रदर्स का चेयरमैन हूँ और इस शहर का होने वाला मेयर। अब अपना सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना कुत्तों की तरह भगाऊंगा। उसके अगले ही दिन उनसे झूठ कहकर कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ चला आया अपनी माँ का वचन पूरा करने, मेरे पापा के साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने और चिट्टी को घर की बहू बनाने। कार्तिक, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक हम लोग भी फ्री हैं। हम तेरे साथ आ सकते हैं। पर हमें करना क्या होगा? धनंजय को अपनी बेटी के स्टेटस का बहुत घमंड है, तो पहले घमंड ही तोड़ेंगे। कहते हैं कि आपके कान में इच्छाएं बताने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे पास भी एक विश है। मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग मेरी शादी करवाते, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो। दीदी, अंकल ने आपको बुलाया है। दीर्घायुष्मान पंडित जी। हाँ? आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा है।
मेयर की पोस्ट भैया के हाथों में आते आते रह गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, एक अशुभ ग्रह आपके भाई की कुंडली में है जिसकी वजह से ये ग्रहण लगा हुआ है। इनका शिकार तो पक्का है। धनंजय जी, क्या आप अपनी बेटे के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? अमरीकी बिजनेस में नायडू जी के बेटे के लिए बात चल रही है। एक बार लड़की की उम्र हो जाए तो उसे विदा करना ही ठीक रहता है। कहीं किसी के साथ भाग गई तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिना हमारी रजामंदी के मेरी बेटी रुमाल भी नहीं खरीद सकती, समझे तुम? शादी हमारी मर्जी से ही होगी, वरना वो कुंवारी ही मर जाएगी। कोई लड़का अगर उससे प्यार करने की भूल करेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी तो उसे वही के वही काट दूंगा। समझ गई ना? चिट्टी यहाँ एरोबिक्स के क्लासेस के लिए आती है, चल थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ठीक है कार्तिक। ये गलत है भाई, लड़कियां वहाँ पतली हो रही है, हम खड़े खड़े मोटे हो रहे हैं। अबे साइज जितना तगड़ा रहता है ना, मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा होती है। भाई टाइगर आ रहा है। धड़कता हुआ दिल और तेजी से धड़कने लगा, ये हमसे एरोबिक्स के बदले मुजरा कराएगा। चलो किसको फोन कर रहा है? बॉस को, टाइगर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? बताने से कुछ नहीं होगा, वो तीनों भाई हमें इसे पकड़ने का ऑर्डर देंगे और फिर ये हम सबका भरता बनाएगा, और फिर वो तीनों भाई भी। पता है तू बैंगन जैसा दिखता है, पर तेरा भरता बनते मैं नहीं देख सकता। बैंगन दिखता हूँ भाई? मेरे बैंगन के रसगुल्ले। हम कभी भी उन तीनों भाइयों को ये बताएंगे नहीं कि यही वो टाइगर है, कसम पैदा करने वाले की। काश यही चित्रा होती, क्या लड़की है। चला। देखा, हमें देखते ही उन लड़कों ने अपने चलने का स्टाइल बदल दिया। उन्हें लगता है लड़कियां उनको देखते ही उनकी बाहों में गिर पड़ेंगी। थैंक गॉड उसने इंदु को पकड़ लिया। देख झबरू देख, इसे कहते लग बाय चांस। अब तुम बिल्कुल सेफ। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पकड़ा कैसे? मैंने क्या गलत किया? इस कांच की गुड़िया को नहीं पकड़ता तो टूट जाती। कहते हैं कि अगर किसी गिरती हुई लड़की को बचा लो तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। क्यों सही कहा? तुम लड़के कितने चीप होते हो, बस मौका मिला नहीं कि लड़की को पकड़ लो। जरूरत से ज्यादा ही बोल रही हो। क्या कर लोगे तुम? मारोगे? मारोगे? इतनी हिम्मत की मेरी कॉलर पकड़ ली? अंदर कहीं के। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, फिर से यहाँ दिखे तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे जा जा, शराब पीकर तेरे घर के सामने इतना हंगामा करूंगा कि सो नहीं पाएगी। मैं अपने गली के कुत्तों को छोड़ दूंगी। अरे हवा आने दे। तेरी हवा तो मैं निकालूंगी। धनंजय की बेटी को बुला दीजिए मैम। वो तो अभी यहाँ से गई। जिसने कॉलर पकड़ ली कहीं वही लड़की चिट्टी तो नहीं? ये देखो धनंजय का घर। मैं दीवार कूद के जाता हूँ और चिट्टी को देख के आता हूँ। चित्रा बचपन में कितनी क्यूट और चुलबुली थी, पता नहीं अब कैसी दिखती होगी। अरे लक्ष्मी कहाँ हो, जल्दी आओ। छोटी मालकिन के कमरे में दूध रख के आती हूँ। छोटी मालकिन का कमरा यानी मेरी चित्रा का कमरा? लगता है नहा रही है। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक होगा? मेरी मंगेतर है। चित्रा को पहली बार देखने वाला हूँ, चेहरे के सिवाय कुछ नहीं देखूंगा। हेलो। हेलो भाग्यश्री, आई लव यू जान। भरत, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा तो मत कहो, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं बहुत अच्छी फैमिली का लड़का हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा। देखो लव मैरिज तो मैं करूंगी नहीं, शादी की भी तो अरेंज्ड मैरिज होगी, वो भी पापा की मर्जी से। भाग्यश्री की जिंदगी में लव आ ही नहीं सकता, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। ओके बाय। ओह, यानी मेरी चिट्टी का असली नाम भाग्यश्री है। मेरा भाग्य खुल गया। एक दिन तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी,
ये मेरा वादा है। ये क्या भाग्यश्री, मैंने अपना कमरा इसलिए दिया ताकि तुम जल्दी तैयार हो सको। पार्टी में सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। बट आई एम रेडी। तुमने उसे देखा, कैसी दिखती है? उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी चिट्ठी माला रेड्डी कॉलेज में पढ़ती है, तो कल से हम उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे। पर कोई सीट भी तो खाली होनी चाहिए। साइट सीइंग करने के लिए सीट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो। हेलो। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना प्यार में। Never call me again. ये क्या भाग्यश्री, बेचारा 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू तो भाव ही नहीं दे रही। क्योंकि मेरी नजर में शादी से पहले सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है, शादी के बाद ही दो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओह अच्छा, इसीलिए आई हेट लव स्टोरीज। तुम्हें जिस दिन अपनी पसंद का लड़का मिलेगा, देखना ये सारी की सारी बोरिंग फिलोसफी धरी की धरी रह जाएंगी। मैं भाग्यश्री को अपने प्यार में बांध सके ऐसा कोई लड़का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये फिर आ गया? मैं तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार इस गिफ्ट में रैप करके लाया हूँ, पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो जोर की थप्पड़ मार देना, पर मेरा प्यार रिजेक्ट मत करना। तेरा भाई है क्या? मुझे लगा तुम्हारा भाई है। लव का लेसन छोड़ो, पढ़ाई का लेसन पकड़ो। कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्यार करने आते हो? ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया है। बॉयज, यस बॉस। कॉलेज के हर स्टूडेंट को चेक करो, नोटबुक के हर पेज और मोबाइल के हर SMS को पढ़ो। कौन किस पर डोरे डाल रहा है, मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को सजा मिलेगी। कम ऑन, मूव इट। ओके बॉस, बुक दिखाओ। 9849224343। ये किस लिए? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट। ये कॉलेज है या क्लब, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम सबको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लो, कंधों के नीचे शर्ट और घुटनों के ऊपर स्कर्ट नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज में आकर हमें टोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें नहीं जानती। He is the head of anti-lover squad. Anti-lover squad? Anti-lover squad. Anti-lover squad? Yes. मेरे पास कंप्लेंट आई है कि इस कॉलेज के लवर्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन मार्कशीट पे परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। आज के बाद कॉलेज में सिर्फ क्लेवर बच्चे आएंगे, लवर बच्चे नॉट अलाउड। जानते हो क्यों? I hate love stories. इसके ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तीर निशाने पर लगा, सीधा दिल पर। So, आज के बाद इस कॉलेज में ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने वाले को सजा दी जाएगी। नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो स्लीवलेस। पूरे कपड़े पहन के निकलो यार। वैसे यहाँ एक लड़की है, भारतीय नारी टाइप के कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती है। क्या नाम है उसका? भाग्यश्री। हाँ याद आया, भाग्यश्री। उससे जाके कुछ सीखो यार, कैसी आदर्श भारतीय नारी है वो, कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब एक कला होती है, वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली कल से तुम सब उसके जैसे तैयार होकर कॉलेज आना। मैंने जो कहा भाग्यश्री ने सुना ना? कॉलेज के रूल्स बनाने वाले तुम कौन होते हो? और भी प्रिंसिपल के पास जाती हूं। जो करना है कर लो, अगर उनमें भी थोड़ी अकल है ना तो मेरे रूल्स फॉलो करेंगे। सर, एक गुंडा अपने आप को एंटी लवर स्क्वाड का हेड बताकर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये बात है, अच्छा किया, वो बिल्कुल सही कर रहा है। ऊपर से कंप्लेन आई है कि ये कॉलेज कैंपस कम और लवर्स पार्क ज्यादा दिखता है, इसीलिए एंटी लवर स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन सर, ऐसे रूल्स किसी और कॉलेज में नहीं है। ये जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और अब मैं भी तुम्हें जीओ कह रहा हूँ। गो 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 गो। क्यों सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया क्या? ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है। कल एक लड़का मेरे घर पर आया था, एंट्री तो जबरदस्त मारी है। हीरो हो या विलन? एंट्री तो हीरो की ही थी, बाकी आप जैसा समझे। वेरी गुड, मुझसे क्या चाहते हो? सिंपल सर, मुझे और मेरे दोस्तों को आपके कॉलेज में जॉब चाहिए। मेरी कॉलेज में कोई पोस्ट खाली नहीं। नो प्रॉब्लम सर, हम खुद ही पोस्ट क्रिएट करके ज्वाइन कर लेंगे। नो सैलरी? सर्विस फ्री। फ्री में क्यों भाई? आपके कॉलेज की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए। व्हाट आर यू टॉकिंग? लड़की पटाने के लिए तुम मेरी कॉलेज में नौकरी करोगे और मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? दिस इज इम्पॉसिबल। निकलो यहाँ से। ठीक, क्या मनहूस जिंदगी है। बचपन में मैंने चोरियां की, दंगे फसाद करवाए, किडनैपिंग, स्मगलिंग, क्या क्या नहीं किया। फिर मंथली मेंटेनेंस भरने के लिए मर्डर तक किए हैं मैंने। अब मैंने खुद को बदलने का सोचा, क्राइम स्टोरी को लव स्टोरी में बदलने का फैसला किया मैंने, लेकिन उसके लिए लड़की की जरूरत है ना? बिल्कुल है। प्रिंसिपल सर, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते हैं आप से अच्छा तो उस मॉडल कॉलेज का प्रिंसिपल रेड्डी है सर, जो पैसे लेकर हमें नौकरी देने को तैयार है। उस कॉलेज में पद्मावती है, मैं उसकी आस में जीवन गुजार लूंगा। रुको, तुम जैसे नेक और काबिल लड़के को मैं उस घटिया कॉलेज में काम नहीं करने दूंगा। यू आर अपॉइंटेड इन माय कॉलेज। थैंक यू सर। तो आपने उस गुंडे को नेक और काबिल कहकर इस कॉलेज में नौकरी दे दी? छह, वो पद्मावती कोई और नहीं, मेरी बेटी है। क्या? हाँ। हाय इंदु। हाय, कैसी हो तुम? खुश तो हो ना?
वेरी हैप्पी। हाय इंदु, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? आज तक उस मददगार फरिश्ते का पता नहीं चला। घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। सिर्फ फोन पर आवाज सुनी थी, ना जाने वो कब मिलेगा। डोंट वरी, तुम्हारा प्यार ऑनेस्ट है, शायद वो खुद ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। बस उम्मीद मत खोना। मेरे पास उम्मीद के अलावा है ही क्या। बाय पूर्वी। बाय। हेलो। हेलो, मैं इंदु बोल रही हूँ। आपके पास उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस है क्या? मैडम, आपसे कितनी बार कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज सर, वो इंसान मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अरे मेरा काम भी मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे को बार बार डिस्टर्ब मत करो। जैसे उसके बारे में पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। अरे बापरे, इस नंबर को ही बदल देता हूँ। भगवान, इस बला से मुझे बचाओ। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे सामने कब आएगा? हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर गटारी मना रहे हैं। भाई, और वहाँ लगता है भैया का श्रावण शुरू हो गया है। ये क्या भैया, इतना बढ़िया चिकन छोड़कर आप ये घास फूस खा रहे हैं? वैसे भी आपका पसंदीदा तंदूरी बना है। पसंद तो मुझे मेयर की पोस्ट भी थी, उसका क्या हुआ? जब तक मैं उस कमीने को ढूंढकर उसकी माँ नहीं बनाता, तब तक मैं सिर्फ ये घास फूस ही खाऊंगा। हम कभी भाई को बताएंगे नहीं कि वो कौन है, और भाई पत्ता गोभी पे अटके रहेंगे। उस टाइगर ने भाई को घास फूस खाने वाली बकरी बना दिया। कमाल है, एक ही दिन में पूरे कॉलेज को सुधार दिया। कार्तिक सर सुनिए, कार्तिक सर। क्या बात है वरुण, मुझसे नाराज हो क्या? तुमने दो दिन से मुझसे बात तक नहीं की। सुनिए कार्तिक सर, सॉरी लावण्या, तुम्हारे पापा हमें बात नहीं करने देते, ये स्क्वाड वाले कॉलेज में मिलने नहीं देते। क्यों ना इस रिश्ते को खत्म कर दें? तुम अचानक ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो वरुण? इडियट, तुम उस लड़की का दिल तोड़ना चाहते हो जो तुमसे प्यार करती है? इसी वक्त मेरे सामने आओ। सर, क्यों मैं? कभी सोचा है तुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की के दिल पर क्या बीतेगी जब तू ये रिश्ता तोड़ देगा? पर आप तो एंटी लव स्क्वाड के लीडर है। हाँ हूँ, एंटी लव स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब प्यार में पढ़कर लोग अपनी पढ़ाई निगलेक्ट करते हैं तो मेरा गुस्सा। कूल डाउन कार्तिक, कूल डाउन। शादी से पहले प्यार में पड़ जाओ तो एक अलग ही फीलिंग आती है, पर शादी के बाद प्यार प्यार नहीं रहता, बस एडजस्टमेंट बन जाता है। सच में? और क्या, सच्चे प्यार करने वालों का मैं हौसला बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तकलीफ दे रहे हैं तो मेरे पास आओ, तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा। थैंक यू सर। कैरी ऑन माय बॉय। कार्तिक सर, जरा रुकिए, आपसे बात करनी है। कहाँ चली गई? आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? कार्तिक सर, आप इस कॉलेज में सबसे बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं, ऐसा क्यों? किसी और से बात करने में और तुमसे बात करने में फर्क है। प्यार के बारे में आप इतनी गहराई से सोचते हैं तो क्या आप भी किसी लड़की से इम्प्रेस्ड हैं? अभी की बात छोड़ो, मैं तो 7th स्टैंडर्ड से एक लड़की से इम्प्रेस्ड हूँ। 7th स्टैंडर्ड से? हाँ, तब से। मैं उस वक्त शिवाजी नगर के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था और तभी से मैं उस लड़की पे फिदा हो गया। मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ती थी। क्या नाम था उस लड़की का? तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, तुम पांच सहेलियों का ग्रुप था। गंगा, श्रावणी, लता, नहीं नहीं, मधुरिमा, वो तो बिल्कुल नहीं। बाद में उस लड़की ने 10th स्टैंडर्ड में अमीरपेट हाई स्कूल में एडमिशन लिया, इसलिए मैंने भी वही स्कूल ज्वाइन किया। सच में? मैंने भी 10th स्टैंडर्ड वहीं से पास किया है। वहाँ भी तुम पांच सहेलियाँ थी। रेखा, सुरेखा, चंद्रलेखा, चित्रलेखा। अगर वो भी नहीं थी तो कौन थी? हर बार तुम सिर्फ चार लड़कियों का ही नाम लेती हो, पांचवी लड़की का नाम लो ना। पांचवी लड़की? वो तो मैं थी। सॉरी भाग्यश्री, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इंदु, जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के से इम्प्रेस हुई हूँ। क्या तुम और इम्प्रेस? हाँ इंदु, वो लड़का 7th स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार करता है। कौन है वो लकी इंसान? So, boys and girls, वो रहा हा? ये लड़का, आओ मेरे साथ। ए मिस्टर,
तुम अपनी 7th और 10th स्टैंडर्ड की झूठी फिलॉसफी से भाग्यश्री को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? कॉलेज में एंटी लवर स्क्वाड बनाकर इस तरह की भोली भाली लड़कियों को फंसा रहे हो? तुमने गैस नहीं डाली तो तुम्हें जलन हो रही है। ये मोम की तरह है, जल्दी पिघलती है। मैं लोहे की बनी हूँ, मैं नहीं पिघलती। हिम्मत है तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। इसको लेकर ये कैसी बेहूदगी है? आप ही ने फ्लैशबैक में जाने के लिए मुझे मजबूर किया ना। बचपन में भाग्यश्री की अदाओं ने मुझ पर जादू फेर दिया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला वो तो प्यार शब्द से भी नफरत करती है। तुम्हारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करके मैंने अपनी भावनाओं को दफना दिया। तुमसे बात करना चाहता हूँ पर बात करने की हिम्मत नहीं। डरता हूँ किसी नाजुक लम्हे में तुमसे कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। नहीं भाग्य, आज मुझे बोलने दो। तुमने अपने दोस्त से मेरी बेइज्जती करवाई। आई एम हर्ट भाग्यश्री, आई एम वेरी हर्ट। कार्तिक सर, इसने जो कुछ भी कहा आप प्लीज वो सब भूल जाइए। मेरा मानना ये है कि सच्चा प्यार करने वाले तो शादी करके ही अपने प्यार को साबित करते हैं, फिर लोग चाहे कुछ भी कहें। तुम्हें कब से लवशप पसंद आने लगा? बचपन में मुझे चिकन खाना पसंद नहीं था, लेकिन अब चिकन ही मेरा फेवरेट है। पसंद ना पसंद तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मेरे और कार्तिक सर के बीच चाहे 100 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तुम बीच में मत आओ। कार्तिक सर प्लीज बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि भाग्यश्री मेरे बारे में क्या सोचती है। तुमने अनजाने में मेरा काम आसान कर दिया और तुम्हारी वजह से वो अब मुझसे काफी इम्प्रेस हो गई है। मुझे लगता है कि लव का एंगल उसके दिमाग में आ गया होगा। पता करके आता हूँ। ये कार्तिक कैसा लड़का है? एक नंबर का बदमाश है वो। इंदु, पता है आजकल के लड़के इनडायरेक्टली टारगेट को हिट करते हैं। किसी लड़की को पटाने के लिए उसकी सहेली पे लाइन मारते हैं ताकि उसकी वाली लड़की जेलस होकर आई लव यू कह दे। शायद भाग्यश्री उसी का शिकार हो गई है। तुमने कार्तिक को देखा? नहीं देखा है मैडम। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, भाग्यश्री दीवानी मीरा बनकर अपने कृष्ण कन्हैया को ढूंढ रही है। ये इंदु तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अबे जावे, शॉर्ट स्कर्ट पहनी गब्बर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब उसे पता चलेगा कि हम यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि भाग्यश्री के लिए आए हैं तो ऐसा करंट लगेगा कि जल के राख हो जाएगी। अच्छा तो ये प्लान है, अभी जाकर भाग्यश्री को बताती हूँ, उसके प्यार का भूत उतर जाएगा। इंदु प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ इतनी मेहनत से बनाए प्लान को बिगाड़ना मत। प्लीज इंदु, प्लीज। प्लीज वर्ड तुम पर सूट नहीं करता। इंदु, क्या हुआ कार्तिक, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? जानती हो यहाँ मेरा दुश्मन कौन है? ऑफ कोर्स इंदु। और जानती हो उस इंदु ने क्या किया? आज उसने मुझे आई लव यू कह दिया। हे भगवान, मैं भी इसी तरह शॉक हो गया। हाँ मेरे दोस्त कहते हैं कि वो बहुत ही हॉट आइटम है, लेकिन मेरा दिल ये बात नहीं माना, क्योंकि हमें किसी लड़की का पहले दिल देखना चाहिए, उसकी फिगर नहीं। एक मासूम दिल ही किसी अच्छे इंसान को पहचान सकता है। एक और बात भाग्य, प्यार करने वालों को मन की आंखों से देखना चाहिए, इंसानी आंखों से नहीं। भाग्यश्री, उस लफंगे कार्तिक की सारी पोल खुल गई है, वो तुम्हें बस बहुत हो गया। कार्तिक के बारे में तुम जानती है क्या हो इंदु? उन्हें मेरी नजरों से देखो, तब समझ आएगा कि वो कितने अच्छे हैं। क्यों, क्या हुआ? जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम हम दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहती हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस कहानी का हीरो मैं हूँ और वो हीरोइन, और तुम बस हीरोइन की एक फ्रेंड हो जो जूनियर आर्टिस्ट है। फ्रेंड का रोल फ्रेंड का ही होता है, ज्यादा उछल कूद की ना तो विलन का रोल इस हीरो को करना पड़ेगा। तुम जितना भी दिमाग लगा लो कोई फायदा नहीं होगा। असल में तुम्हारा जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो मैं तुम्हें प्यार से समझा देता हूँ। भाग्य और मेरी सुहागरात में सेज पर फूलों को सजाने का काम तुम करोगी, हमारे छोटे छोटे चिंटू पिंटू रिंकू को तुम संभालोगी बिल्कुल एक आया की तरह। वैसे है तो कैरेक्टर रोल, लेकिन जम के एक्टिंग करोगी ना तो सीधे ऑस्कर। जूनियर आर्टिस्ट, अब देखना मैं सुनामी कैसे लाती हूँ। सुनो शिवा रेड्डी, तुम्हारा भाई अब कोमा से बाहर नहीं आ सकता, तुम उसे घर ले जाओ। hey! जिस दिन मैं पुली के गुनहगार को मौत की नींद सुलाऊंगा उसी दिन इसे घर ले जाऊंगा। मुझे खून देखकर चक्कर आते, ब्लड डोनेट करना जरूरी है क्या? खून दे वरना खून करूंगा। तुम इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो देना ही पड़ेगा। हाथ से जाता मोबाइल और हाथ में आया शिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये लीजिए। थैंक्स।
मैडम, बोलो आपको कौन परेशान कर रहा है, उसको मैं अपनी मसल से मसल के रख दूंगा। वो रहा, फोन पे लंबी लंबी दे रहा है, इसका एंटीना उखाड़ के कवरेज एरिया से बाहर करो। चलो रे, मार के भुट्टा बनाते इसका। पूरे खानदान को दुनिया में और कोई नहीं मिलता। अरे क्या हुआ, ये हिजड़ों की फौज कहाँ जा रही है? वो हम लोग रेस खेल रहे थे, हम में से जो भी आपको पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। टच कर लिया, मैं जीत गया। चक दे बैंगन के। थर्ड क्लास कॉमेडी करेगा, थर्ड डिग्री टॉर्चर करूंगा। अब बता मामला क्या है? कुछ खास नहीं भाई, एक लड़की ने आपकी सुपारी दी थी। कौन सी लड़की ने? हमारी मैडम ने दी थी, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ओह, जूनियर आर्टिस्ट की ये मजाल। अबे सुन, तेरी मैडम से प्यार करता हूँ इसलिए तू मुझे मारने आया है। ये टाइगर हमारी मैडम से प्यार करता है, यानी अब इस पूरे खानदान की भाट लगने वाली है। हम चलते हैं भाई। ओके, ओए, तुम चले जाओगे तो धुलाई कौन करेगा? क्या बात कर रहे हो, भूल गए क्या, हम लोग तो दोस्त है ना। ये कब हुआ बे? उस दिन जब आपने बुलेट पर एंट्री मार के हम सबको धोया था। देख, धंधे का उसूल है, क्लाइंट से पैसा लिया तो मारना पड़ेगा। फसाओ मत हमें, तुम्हें हम जिस हाथ से हाथ लगाएंगे तुम वो हाथ ही तोड़ दोगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे। तुम हाथ नहीं लगाओगे तो मैं हाथ लगा दूंगा। ये तो चीटिंग है, हम आपको हाथ नहीं लगा रहे तो आप हमें क्यों हाथ लगा रहे? अब पीटोगे या मुझसे पिटोगे? ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हमें वापस नहीं मारोगे। ओके ओके, कह दिया। दिल में लड्डू फूटा। पुराना हिसाब चुकता करने का यही मौका है। रेडी, काला जामुन जा। ऑफर सीमित समय के लिए है। तेरे ऑफर की तो ऐसी की तैसी। चलो रे। भाग्यश्री भाग्यश्री, इंदु ने कार्तिक को मारने के लिए गुंडे भिजवाए हैं। सब गेम प्लान है। उठो कार्तिक, अगर ये सच है कि तुमने सेवेंथ स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें इन गुंडों का सामना करना होगा। पिक्चर में ये कैरेक्टर कब आया? इंटरवल तो होने देती। ट्रायंगल लगता है भाई। अगर अपने 10th स्टैंडर्ड की पांचवी सहेली का दिल जीतना है तो इनकी हड्डियां तोड़कर इन्हें सबक सिखाओ। क्यों बचपन के प्यार को जगा रही है? अगर ये जग गया ना तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। सोया हुआ प्यार जग गया। कार्तिक, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। इसी रिएक्शन के इंतजार में अब तक एक्शन नहीं किया, आपकी दिवाली बम्पर ऑफर अब खत्म हो गई। पैसे वसूल हुए मैडम। कार्तिक, कार्तिक, तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हो। आई लव यू कार्तिक। क्या हुआ गुरु, अभी तक किक नहीं लगी क्या? अरे इस पानी कम से क्या किक लगेगी, हमारे प्लान पर मोहर लगाकर जब भाग्यश्री ने आई लव यू कहा ना तब लगी थी किक, और हमारे प्यार को देखकर उस बंदरिया इंदु को जब जलन हुई ना तब असली किक लगी। एक बात बता, गम हो या खुशी तेरे मुंह पे इंदु का नाम क्यों रहता है? अरे अब तो उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दे। अबे वो लड़की नहीं है यार। अच्छा? वो तो आयरन मैन की बहन है। आइए आइए, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारती हो। अगर तुम्हें भाग्य और मेरे प्यार में पढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पीछे की असलियत सुनकर तो तुम जल ही जाओगी। मैं आया था इस कॉलेज में उसका दिल जीतने के लिए, ताकि उसके कमीने बाप से बदला ले सकूं, बेटी के जरिए घमंडी बाप की गर्दन तक पहुंचूं और उस बुड्ढे को अपने पैरों में गिराकर माफी मंगवाऊं। अब
भाग्यश्री वो हाँ कल गणेश उत्सव है ना, उसमें भाग्यश्री आई लव यू नाम का नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल शुरू है, क्यों है ना? भाग्यश्री का फेस कितना एक्सप्रेसिव है, क्यों ना इसे ही हीरोइन बना ले। गणेश उत्सव तो 4 दिन पहले ही था ना। गणेश उत्सव हो या दशहरा हो तुम्हें क्या, ड्रामा जरूरी है, फेस्टिवल तो आते जाते रहते हैं। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या कह रहे थे, मेरे पापा चालू हैं? भाग्यश्री उन्हें तुम अपने पैरों में गिराओगे? भाग्यश्री तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो, उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं, ऐसे इंसान के लिए इतनी घटिया बातें करते शर्म नहीं आई? हेलो भरत। भाग्यश्री मैंने तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया, उसके लिए सॉरी। क्या सच में? आई लव यू इंदु, इसके लिए तुम ही फिट हो। भाग्यश्री, भाग्यश्री क्या हुआ, तुम हीरो थे और वो हीरोइन थी ना, लेकिन तुम्हारी हीरोइन तो चली गई। देखते रहना, तुम्हारी कोई भी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी, ना ही तुम किसी से प्यार कर पाओगे और ना ही शादी, दोनों के लिए तरसोगे तुम। ऑल द बेस्ट। ए चिपकली, दोस्तों मंजिल के इतने करीब आई जीत को हार में बदलने वाली इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचने के लिए टाइम तो दो। तुम कर भी क्या सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक बियर और पी लोगे। हेलो अमेरिका के डायमंड किंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच गुड न्यूज। अरे हिंदू, अमेरिका के डायमंड किंग मिस्टर अनिल झवेरी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, इतने बड़े खानदान में इसका रिश्ता करवाने का सपना अब सच होने वाला है। अच्छा हुआ, एक बला तो टली हमारे सिर से। सॉरी पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। कई भैंस पानी में। इतना ऊंचा खानदान नसीब वालों को ही मिलता है, उनका इरादा बदलने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए, कोई समझाओ रहे इसे। तुम्हारी बहाने हमें लास वेगास के कैसीनो में जुआ खेलने का मौका मिलेगा प्लीज। जब शादी करने का मन होगा तब बता दूंगी। सुनो, शायद वो हमसे बात करने से हिचकिचा रही है, हो सकता है तुमसे खुलकर बात करे। ओके अंकल, इतना अच्छा रिश्ता है, तुम मना क्यों कर रही हो? असल में मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम्हें प्यार हो गया है? कौन है वो? तुम उसे जानती हो, वो हमारे कॉलेज के एंटी लवर स्क्वाड का लीडर है, कार्तिक। कहानी में एक और ट्विस्ट, इन भाइयों का जानी दुश्मन इस घर का दामाद बनेगा। क्या तुम कार्तिक से प्यार करती हो? जितना मैं कार्तिक की दीवानी हूँ उतना ही वो मेरा भी दीवाना है, और अगर घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं भाग के शादी कर लूंगी। अगर कार्तिक मेरी फैमिली से डर गया तो मैं पापा की पसंद से शादी कर लूंगी। उस कार्तिक को ऐसे डराऊंगा कि वो चैन से सो भी नहीं पाएगा। सुनो, हाँ बॉस। मेरे मेयर की पोस्ट चिन्ने वाले की मौत को पोस्टपोन कर दो, जाकर पहले उस कार्तिक को पकड़ो। उस एंटी लवर स्क्वाड के लीडर के हाथ पैर तोड़ दो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अब इस फैमिली को कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तो कार्तिक से प्यार वाली बात झूठी थी? प्यार करे मेरी जूती, ये सिर्फ रिवेंज है। मारो सबको, छोड़ना मत किसी को। तो इश्क का भूत उतरा कि नहीं? इश्क तो और गहरा हो गया। यही तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में डूब गई हूँ। पागल हो गया, ऐसा क्यों कहा? ताकि अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो उसे सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। अच्छा, पापा तो बहुत पावरफुल लगते हैं। बहुत पावरफुल, जानते हो वो कौन है? डी ब्रदर्स ग्रुप के चेयरमैन धनंजय। क्या कह रही हो, वो तो भाग्यश्री के पापा है ना? दिल के साथ साथ दिमाग को भी गिरवी रख दिया क्या? भाग्यश्री के पापा डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है? तुम मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो, उनसे मिलने के लिए लोग घर के बाहर लाइन लगाते हैं। हैला, मतलब यही मेरी चिट्ठी है? जाने अनजाने इसने भाग्यश्री की ट्रेन को पटरी से उतार दिया और अब खुद उसी पटरी पर चढ़ गई है। सो स्वीट ऑफ यू। हवा निकल गई नाम सुन के, पापा ने गुंडे भिजवाए तुम्हें पीटने के लिए। जब वो आएंगे तो बहुत पछताएंगे, आने दो। पछताओगे तो तुम बच्चू। अपना काम हो गया, गुस्से में दी हुई किसने बाजी पलट दी। हाँ बोल। धनंजय के आदमी हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं।
बाहर के हीरा बनता है। अब दो हो या 200, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे, कहां छुपे हैं बे थ्री इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है, मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो अब मेरी भी एक बात सुन ले इंदु। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है? ए, मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। रुको, रुको, रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। ए, बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे। पर बहुत तरस आ रहा है। जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैं रामचंद्र का बेटा हूं। जिस जगह मेरे पापा की बेइज्जती हुई उसी जगह खड़े रहकर मैं आज ये कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने पैरों में गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करोगे। इसे धमकी मत समझना, ये पत्थर की लकीर है। तेरी बिगड़ेल बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और तेरे इस खानदान का दामाद बनूंगा, और मैं ये सब करूंगा तुम तीनों की आंखों के सामने। अगर रोक सको तो रोक कर दिखाओ मुझे। पापा, मैं कार्तिक से प्यार नहीं करती। मैंने उससे बदला लेने के लिए गुस्से में ये सब झूठ बोला था। तो ये तुम्हारी करतूत थी, पता तुम्हारी वजह से क्या? दिवाकर,
इंदु की वजह से उसकी इतनी हिम्मत हुई। इस शहर के लोग हमारा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, लेकिन आज उसने हमारे घर में घुसकर हमारी बैंड बजा दी। एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन से ही हाथ मिलाना पड़ेगा। इस आंधी को सिर्फ शिवा रेड्डी रोक सकता है। मैंने अपना काम वक्त पर पूरा किया, पैसा पहुंचा देना। शिवा रेड्डी, अपनी बेटी की खातिर हमारी दुश्मनी को भुलाकर तुमसे मदद मांगने आया हूँ। औरतों को अंदर लेकर जाओ। क्या हम भी यहाँ रुक सकते? चुपचाप अंदर जाकर बैठो और बाहर मत आना। हेलो कार्तिक। इंदु, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे शिवा रेड्डी के घर से आकर ले जाओ। धनंजय, मेरी मदद लेने के लिए अपने घर की औरतों को भी साथ ले आया? तेरे चेहरे का जोग्राफिया इतना बदला क्यों है? किसने बनाया होलिया ये? कार्तिक, मेरे पुराने दुश्मन का बेटा। उस कमीने ने मुझे चैलेंज किया है कि एक दिन मैं उसके पैर धोकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। अगर तुम उसे मेरे पैरों में गिराकर माफी मंगवाओगे तो बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि मेरी पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो दिखता कैसा है? ये देखो। हाथ से जाता मोबाइल और हाथ में आया शिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा वो? उसकी वजह से हम अपना घर बार, सुख चैन सब गवा बैठे हैं। पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। पता कहाँ मिलेगा वो? तुम्हारे साथ उसने क्या किया? उस कमीने की वजह से मेरी बहन की शादी होते होते रह गई और उसी कुत्ते की वजह से आज मेरा भाई कोमा में पड़ा है। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। रुको शिवा रेड्डी, मेरी बेटी यहाँ पर है, वो उसे ढूंढता हुआ खुद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्यों लेकर आई हो? बस दर्शन करके आती हूँ। हेलो। है कार्तिक, मैं अपनी बेटी के साथ शिवा रेड्डी के घर पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ आकर उसे छू कर दिखा। मेरी हिम्मत चेक करने से पहले ये तो चेक कीजिए कि आपकी बेटी वहाँ है या नहीं। ससुर जी, इंदु कहाँ है? वो कार्तिक यहाँ आया था और इंदु को अपने साथ ले गया। तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? आप ही ने तो कहा था कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। तुम मुझे झटका देना चाहते थे और मैंने तुम्हें झटका दे दिया ससुर जी। तुझे तो और आपकी तारीफ क्या है? जिस बुली रेडी को तूने कोमा में पहुंचाया था मैं उसी का भाई हूँ। साले आप कोमा में तू जाएगा। ओह क्या बात है, आज सारे दुश्मन इकट्ठा होकर यूनियन बना रहे हैं मुझे मारने के सपने देखने वालों। ऑल द बेस्ट। हेलो पूर्वी। हाय इंदु, मैंने कार्तिक से प्यार का ढोंग रचाकर एक प्लान बनाया है। वेरी गुड इंदु, हमने तुम्हारे वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। 10-15 दिन में अप्रूवल भी मिल जाएगा, तब तक तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तुम हमारी मदद करने वाले अनजान शख्स से प्यार करने लगी हो, दैट्स रियली ग्रेट इंदु। सुनो, मुझे किसी भी तरह से कार्तिक से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? उसके पीछे एक वजह है कार्तिक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मैं उसे ढूंढ रही थी और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे दूर रखने के लिए शिवा रेड्डी के यहाँ रखा। तुम्हारे प्यार की आड़ में मैं अपने प्यार को बचा रही हूँ। तुम किससे प्यार करती हो ये मैं नहीं जानना चाहता इंदु, पर क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? बस इतना कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। I'm very sorry इंदु, बिना सच्चाई जाने मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर तुम्हारे प्यार से अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं कार्तिक, मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हो। अरे पगली, अगर अपनी प्रॉब्लम्स तुम अपने आप सॉल्व कर लेती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मुझे प्यार ना मिला तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मैं दिलवाऊंगा। पहले भगवान से मिलो।
पंडित जी बेटी रेड्डी यहाँ पहुँच गए हैं। नमस्कार बेटी रेड्डी जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। रेड्डी जी पूजा की थालियाँ हमें दे दीजिए, नारियल फोड़कर पूजा प्रारंभ करते हैं। हाँ जरूर दो भाई, दो दो इनको दो। बॉस बेटी रेड्डी मंदिर में है। आज उसे मार कर उसका धड़ दोनों गांव के बीच में डाल दो, और उसका कटा हुआ सर मेरे चौखट पे लटका हुआ होना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए? शुक्रिया बेटा, तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा तो तुम दोनों लवर जी? अंकल मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो कार्तिक को मारना चाहते हैं। 10-15 दिन में हमें कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर तब तक हम कहाँ छुपे? हमें कोई परेशानी नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो। सर, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करने का। चलो। अरे सुनो, अब कनाडा जाने तक यही तुम्हारा घर है, आराम से रहना। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आ भी गया तो यकीन करो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो जिंदा नहीं जा पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर। वो क्या है सर? वो तो घोड़े हैं। वो तो दिख रहे हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है? अरे दादाजी है। वो कहाँ है सर? वहाँ ऊपर है। अरे वो ऊपर वाला ऊपर। गुलामी के दिनों में सब डर के मारे लगान देते थे, लेकिन मेरे दादाजी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और लगान देने से इनकार कर दिया। मेरे दादाजी की बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है ये। सभी लीडर्स का दिया हुआ ये तोहफा हमारे खानदान की इज्जत की निशानी है। उसे वहाँ क्यों रखा है सर? किसी के हाथ से गिर गया तो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम करो, लेकिन साथ में नहीं। अब तो मानते हो ना कि मेरा प्लान कितना धांसू था? 15 दिन आराम से यहाँ रहेंगे। आप चिल्लाए क्यों? बहन जी ये लोग कौन हैं? ये बड़े मालिक के बेटे हैं। बेटे? आपका कमरा तैयार हो गया है। हाँ, अब जाइए हमारे। हाँ। कैसा बकवास प्लान था तुम्हारा, बेटों के हाथ से बचकर बाप के हाथों मरने आ गए। अब क्या करेंगे? करना क्या है, जान बचाकर भागो, चलो। ठीक है। शर्मो आ गए अपना ये मनुष्य मुंह लेकर। पुली को कोमा में पहुंचाने वाले को ऊपर पहुंचाए बिना घर में कदम मत रखना, मैंने कहा था ना ये। आप जिस आदमी को मारने के लिए इतने उतावले हो रहे हो उसका फोटो लेकर आया हूँ। मर गया कार्तिक, देखिए इसे। ए, मैं अपने दुश्मन की मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहता। बच गया यार। सिर्फ उसकी फोटो दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, दिखानी है तो डेड बॉडी दिखाओ। अब जाओ। क्या है? इन्होंने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। कान खोल के सुन लो, वो घर के बाहर रहेंगे, तुम घर के अंदर। वहाँ से उन पिल्लों को तुम ठूस ठूस के खिला सकते हो, जाओ अब। चलो। मैंने आपकी मनपसंद बिरयानी बनाई है। ऐसे कितने दिनों तक बॉर्डर पर खाना खाओगे? जिसकी वजह से मैं अपने बीवी के प्यार बच्चों के दुलार से दूर हुआ हूँ, उसके शरीर के टुकड़े करते जाऊंगा जब तक कुल्हाड़ी की धार खत्म ना हो जाए। बाहर इतना शोर क्यों है? ये मेरे निकम्मे बेटों की आवाज है, जब तक वो मेरे छोटे बेटे के गुनहगारों को पकड़ कर नहीं लाते वो घर में नहीं घुस सकते हैं। आपके घर के मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हम यहाँ से चलते हैं। पर तुम क्यों जाओगे? हमारे घर के मामलों से कोई लेने देना नहीं तुम्हें। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए कनाडा जाने तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। ऐसी हालत में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यही सबसे महफूज जगह है। क्या मतलब? जरा सोचो इंदु, ये तीनों दरिंदे बहाई दुनिया के हर कोने में हमें ढूंढेंगे सिवाय इस घर के, तो ये घर सबसे सेफ जगह है। ये
क्या ये लोग जानते नहीं कि ये कौन है या फिर ये कोई मजाक है? मेरे धोनी की फोटो कहाँ है? तुमने सचिन की फोटो फाड़ दी तो मैंने भी धोनी की फोटो फाड़ दी। और इस तरह से हम पेडी रेड्डी के घर पहुँच गए। तू क्या बोल रहा है? इंदु को उसका प्यार ढूंढने में उसकी मदद करेगा? अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गया क्या? मैंने इंदु की आंखों में किसी और के लिए सच्चा प्यार देखा है। जब मॉम को ये बात समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान लेंगे। क्यों किया? जरा माँ जी को देखो, रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम्हें इतना प्यार करने वाले लोग यहाँ हैं, तो आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? इसकी शादी वाले दिन ही किसी कारण इसकी शादी टूट गई। शादी तोड़ने वाला कोई और नहीं, गंगाराम रेड्डी है, जिसने उस दिन मंदिर में इन पर हमला करवाया था। 25 साल पुरानी बात है। गंगाराम रेड्डी और मेरे पति पेड्डी रेड्डी बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हम दोनों परिवारों ने आपस में बच्चों की शादी करवाने की ठानी। फैक्ट्री बनवाने के नाम पर मेरे पति और गंगाराम ने गांव वालों से जमीन ली, और कुछ दिनों बाद धोखे से इन दोनों ने उस जमीन को अपने नाम पर कर लिया। मेरे पति और गंगाराम की वजह से गांव वाले दर दर की ठोकरे खाने लगे। गंगा रेड्डी को मारने से पहले मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना और उसके हिस्से की जमीन हथिया लेना। उसे मार कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे जमीन में गाड़ दो। उन दोनों की दुश्मनी के शिकार बने गांव के मासूम लोग। हम सब मिलकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। जो जरूरी था वो सब मैं कह चुका हूँ। अब एक होकर जमीन अपने पास रख सकते हैं या फिर दुश्मनी पालकर आराम से जेल जा सकते हैं। बेकार में जेल कौन जाना चाहता है? हमारे बच्चों की शादी की वजह से दोनों परिवार एक होने वाले थे और हम सब बहुत खुश थे, लेकिन ऐन मौके पर गंगाराम की बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले गया। गंगाराम ने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए कल्याणी अपनी जान दे रही थी। मेरे पति का सिर्फ एक ही मकसद है, कोमा में पहुंचाने वाले हमारे बच्चे के गुनहगार को सजा देना, लेकिन उन्हें कल्याणी की कोई परवाह नहीं है। इस घर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारे जज्बातों को समझता हो। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता, इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, यही ससुर जी का ऑर्डर है। देखो, एक भाई होने के नाते मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। तो इस घर में खुशियां लौटाने के लिए जिसने भाई को कोमा में भेजा उसे पकड़ना होगा। तो पहले उसे पकड़ते हैं। क्या? कैसे? क्या कह रही हो? हम झूठ कैसे बोलेंगे? वैसे तो इतने झूठ बोलते रहते हो, अपनी बहन की शादी की खातिर इतना तो कर ही सकते हो, और इस बहाने घर के अंदर भी आ पाओगे। पिताजी, गुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। ए, उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, 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 अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बकरा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देख कर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। ये लोग,
ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी। कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम, सच बताओ। बात ये है कि पिताजी मैं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। मैं ही बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है। लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने, इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? क्यों रोका इन्हें अंकल? इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, बुल्ली कैसे मार सकता है, वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे? ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है, कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सोले ने नहीं चल चलती। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिला कर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मारो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त, एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है, निर्दोष लोगों को फंसा कर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा। तो तुमने ऐसा कहा क्यों, पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेडी रेड्डी है, ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस। टोटल 5 लाख मांगे, सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही गए। क्या करें, बेचारे मेंटल है इसलिए 5 में मांग गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल है। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है, एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेडी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेडी रेड्डी। काला गेंडा। एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेडी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुआरी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में, जा रहा हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्या? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ, ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने, तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया है। कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? उनको समझ गया, इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा,
यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने, अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन ए, पेडी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो, और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाता हूं। वेरी गुड सर, थैंक यू डॉक्टर। मुझ पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था, इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तुम लोग क्या डींगे हांक रहे थे हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो दूके? शाबाश, रोको मत, उससे का पारा चढ़ने दो। I want more पागलपन, come on, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तलवार, लाठी, हथौड़ा, जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो, come on, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेडी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या वो लाल काला गेंडा है? पकड़ो उस साले को। क्या वो तुम्हारा साला है? कौन हो? श्रीमंत नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन अरेस्ट? लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल वहीं पर है। ए, इन सबको लेकर चलो। मामा जी, कार्तिक भाजी, तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या, किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनेगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेडी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा करूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप पेडी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे, लेकिन दिल बहुत नरम है। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। चेहरे से मुजरिम नहीं लगते, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेटी रेड्डी की नहीं, ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी बात तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए, एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा, अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। आपको उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझाया था, सीबीआई बीच में आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। आप ही कर सकते हैं सर। कैसे? मेरी बात तो सुनिए, अपनी बेटी की शादी आप गंगाराम के बेटे से करवाइए, हम उन्हें दहेज में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा करेंगे, फिर सारी जमीनों को गंगाराम के नाम ट्रांसफर कीजिए। अब सारे रजिस्ट्रेशन उसके नाम होंगे तो सीबीआई उसके घर जाकर उसे अरेस्ट करेगी। क्यों सही है ना? तुम कौन हो भाई, क्रिमिनल लॉयर हो क्या? ये मेरे बेटे जैसा है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करूंगा। बात को समझिए सर, इसी बहाने आपकी बेटी की रुकी हुई शादी भी हो जाएगी और गंगाराम से बदला भी ले लेंगे। बात में दम तो है, पर गंगाराम को राजी कौन करेगा? वकील साहब कब काम आएंगे? क्या मैं? अच्छा कार्तिक, ये गंगाराम वकील की बात पर यकीन करेगा और रिश्ता लेकर आएगा? सिर्फ 3 पग जमीन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और यहाँ पर तो 1000 एकड़ की बात है, गंगाराम क्या उसका बाप भी आएगा? कहा था वही हुआ, देखिए वो आ गया। हाँ? सुनो पेड्डी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूँ, क्या कहते हो तुम? वहीं खड़े रहकर बातें करते रहोगे क्या? अंदर तो आ जाओ। क्या कर रहे हो पिताजी, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन तुम भूल रहे हो, ये मेरे बचपन का दोस्त भी है, मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो वरना चले जाओ। कैसी हैं? कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से? आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है? उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से टकरा, गॉट इट, वो इनकी कार थी और उस एक्सीडेंट में इन सब के दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है, आप कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ, इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक? ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है, इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं, मुझे बदलने वाला इंसान यही है।
जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर दो मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू मुझे बोलने दो डॉक्टर, मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछुंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी राजू कंट्रोल करो यार। ये बंदर कहाँ से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुँचाने वाला कोई और नहीं, ये बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? अब ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? ओ, ओ। सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान दूंगा। रुक जाओ गंगाराम, इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओ, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन बार बार ये बुली बुली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए। जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ आओ मेरे साथ। कार्तिक तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कार्तिक जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो आ चुका है। सचमुच? वेरी गुड, कहाँ है वो? वैभव। कार्तिक वैभव, वैभव कार्तिक। ग्लैड टू मीट यू। तुम बहुत लकी हो वैभव, इंदु तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बातें करती है। कार्तिक सबके सामने इसे तुम्हारा दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करना होगा। पेडी रेडी और उसके बेटों को इसकी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बुली रेडी को कोमा में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वैभव ही है। सॉरी कार्तिक, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताई। जब मेरी फ्रेंड और उसके लवर को बुली रेडी मारने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अनजाने में एक नंबर डायल किया था और वो नंबर वैभव का था। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ लोग मिलकर मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं। फोन मत काटिए क्योंकि मेरा फोन कभी भी बंद हो सकता है। सिर्फ एक फोन कॉल पे बिना उसने अपनी जान की परवाह किए उन दो अनजान लोगों की जान बचाई थी। कार्तिक इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? इसीलिए मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार को सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो कार्तिक, हमारा साथ दोगे ना? तुम्हारा प्यार सच्चा है इंदु, वादा है सच्चाई की ही जीत होगी। कहानी में ये ट्विस्ट कैसा रहा? जब मैंने अपनी बेटी के प्रेमी की इंक्वायरी की तो कनाडा के एक दोस्त से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने अपनी बेटी को अंधेरे में रखा और एक नया कैरेक्टर पैदा किया जो केएफसी के नायडू का बेटा है। हमने इंदु को ये यकीन दिलाया कि वो जिसे चाहती है वो वैभव ही है। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई कोमा में है। इतने से मन नहीं भरा तो हमारे बहन की शादी दुश्मन से करवाने की कोशिश की। इसलिए हमने ये चक्रव्यूह रचा, पहले वैभव से शादी करके इंदु अमेरिका जाएगी और फिर पेडी रेड्डी को तुम्हारे सच का पता चलेगा और फिर उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल होगा। ए सिक्स इडियट्स, मैं आज तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैंने सोचा इंदु किसी और से प्यार करती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करती है। तो तुमने कैसे सोच लिया वो किसी और की हो जाएगी? क्या तुझमें बुली रेड्डी की असलियत बताने की हिम्मत है? अरे तुझ पर इंदु विश्वास ही नहीं करेगी। चुप है। सिर्फ किसी की मदद करने की वजह से इंदु मुझसे प्यार नहीं करेगी। तुमने मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा दिया है, लेकिन इंदु आज नहीं तो कल उसे छोड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे प्यार करेगी। इंदु और मेरी शादी उसी वक्त उसी मुहूर्त पर होगी जब यहाँ एक और शादी होगी। अरे वाह, वैभव हर दिन हर पल इंदु के साथ रहेगा, उसके बावजूद तू चार दिनों में उसका दिल जीत के उससे शादी करेगा? सपने देख रहा है? पत्थर की लकीर है। अब तो लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि इंदु और मेरी शादी हो जाए। आज से तुझे मेरा एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। चुप कर। राजू जी वो क्या है ये लोग? बताओ अब बोलो, क्या ये लोग भी मेंटल हैं? साइकेट्रिस्ट बने, साइकिल स्टंट भी किया। अरे लायर तो मैं हूँ, तुमने कॉपीराइट क्यों लिया? मैं पेडी रेड्डी को अभी जाकर तुम्हारी असलियत बताता हूँ। बता दो, अगर किसी को मार खाने का इतना ही शौक है तो उसे मैं क्यों रोकूं? क्यों मारेगा वो मुझे? झूठ बोलने पर पेडी रेड्डी ने अपनी औलादों को नहीं छोड़ा था, तुमने तो ओवर एक्टिंग करके झूठ कहा है, याद करो। ए, अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी औलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा। मेरे घने बालों की कसम। स्लिप ऑफ टंग हो गया। राजू जी खुशी के मौके पर हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन रोने वाली बात पर हंसने वाले को मर्द कहते हैं। क्यों लूज मोशंस करवा रहा है, मेरी हालत तो जानते हो। सिंपल सोल्यूशन है राजू जी, बुल्ली को कोमा से जगा दो, आपका काम हो जाएगा, ट्राई तो करो। मैं उसे जगा कर रहूंगा,
जो अब तक कोई दवा या दुआ नहीं कर सकी वो अजूबा मैं करके दिखाऊंगा। नाद विनोदमु नाट्य विलासमु परम सुखमु परमु अभिनय वेदमु सभकनुवादमु सलुपु परम पदमु भावमुलु भंगिमलु भैया देखा मैंने चमत्कार से इसे कोमा से जगा दिया। अब मैं इसे तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा और तुम तीनों का बलात्कार करवाऊंगा। याद रख अगर ये उठ गया तो तू कोमा में जाएगा। ओके डैड बाय। हेलो आई एम राजू। कार्तिक की जगह हीरो बनने का क्रेडिट सबसे पहले मैंने लिया था, बाद में तुम आ गए। हम दोनों ही नकली हीरो हैं। मेरे डायरेक्शन पे चलोगे तो दोनों ही ऑस्कर ले जाएंगे। तुम्हारा बिंदु इंदु है ना, कम ऑन फॉलो मी। हां ओके मां के रख देंगे। या ये दो नमूने साथ में। ए, रुक रुक, शर्मिली दुल्हन की तरह क्यों लचक रहे हो? वैभव के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता, आपको बाद में बताऊंगा। ओके ए, बताओ क्या हुआ? सच बताओ क्या कांड किया है? ठीक है बताता हूँ। मैं हिंदू से मिलने उसके कमरे में गया था। उसके बाद हिंदू कहीं नजर नहीं आ रही थी तो मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। अचानक इंदु मेरे पीछे से आई और उसने जोर से मुझे छप्पी दे दी। मैं उसकी बाहों के गिरफ्त में सब कुछ भूल गया। फिर अचानक मुझे होश आया तो उसने नजरें झुकाकर शर्माकर मुझसे कहा, सॉरी कार्तिक, मुझे लगा वैभव है। कोई बात नहीं इंदु, चाहे आदमी गलत हो फीलिंग्स तो बिल्कुल सही थी ना। थैंक्स वैभव, तुम्हारी वजह से मुझे छप्पी मिली। बस छप्पी मिल जाए तो। शिट! उस लंगूर से लिपट गए अंगूर समझकर। अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। इंदु तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी हो गई है। मेरे पास एक प्लान है, यहाँ आओ। क्या कर रहे हो इंदु? ओरिजिनल पार्टी आ गई है, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आ जाओ। What's wrong with you? किसी लड़की के साथ इस तरह से पेश आते हैं? I did not expect this from you. What happened, Indu? We both are lovers, right? Just get out. प्यार किया तो टच करने से डरना क्या? चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ से कोई आवाज आई? Please, वैभव को यहाँ से बाहर ले जाओ कार्तिक। अरे, लेकिन हुआ क्या? पहले इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। अरे, इसने मुझे बताया जब ये आता था। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बातें को मैं संभाल लूँगा। चलो यहाँ से। चलो, I will solve the problem. You go. क्या हुआ इंदु? कार्तिक, उस वैभव ने मुझे हग किया। मैंने बिना उसके बारे में जाने सिर्फ उसके हेल्पिंग नेचर की वजह से उससे प्यार किया, लेकिन उसने क्या किया देखा तुमने? क्या प्यार का मतलब सिर्फ यही होता है कार्तिक? नहीं इंदु, अगर वो सच्चे मन से प्यार करता है तो हमेशा तुम्हें अपने दिल से लगा कर रखेगा। वैभव अमेरिका में पला बढ़ा है, उसे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे बात करूंगा, यू जस्ट रिलैक्स। क्या यार वैभव, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा वर्स्ट इंप्रेशन बन गया यार। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ या बिना जाने किस गधे की बातों में आकर रिएक्ट कर गए? क्यों राजू जी? है कार्तिक जी, वो क्या है ना, सलाह हमेशा समझदार लोगों से लेनी चाहिए, मूर्खों से नहीं। बाय बाय इडियट। इडियट बोला? अब जरा सुनो, मुझे एक डाउट है। अंदर से बड़ी तेज आवाज आई थी, बहुत जोर से मारा क्या उसने? इतनी जोर से? ब्लडी इडियट। मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। कितना नेक ख्याल है। हाय एवरीबॉडी। क्यों, शादी की सब तैयारियां ठीक से चल रही है ना? क्यों नहीं, सब काम बढ़िया हो रहा है, शादी धूमधाम से होगी। ए प्रभाकर, पेपर्स रेडी हुए कि नहीं? अगले दो दिनों में तैयार हो जाएंगे।
अरे क्या हुआ दोस्त, तबीयत ठीक तो है ना? थोड़ा पानी पी, जरा सा पानी पी लीजिए बेटी जी। अरे पूछ क्या रही हो, पानी पिलाओ ही नहीं दोस्त, पानी पिलो ठीक हो जाएगा, पानी पिलाओ ना, कब से देख क्या रही बेटी जी, शायद हार्ट अटैक आया होगा, अब डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ डॉक्टर 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 अभी कॉल करता हूँ। ये कौन सा नया ड्रामा है, मरने देते ना साले। अंकल गंगाराम की मौत हार्ट अटैक से नहीं होनी चाहिए, अगर उसे मरना ही है तो आपके हाथों मरना होगा। हाँ। तभी तो आपका बदला पूरा हो पाएगा। करेक्ट बोला। हाँ। कमीने की मौत तो मेरे हाथों में। हाँ। ही है। अरे ये क्या इतना पसीना है, रुकिए मैं ये। कैसा टॉवेल है ये, ये लीजिए ये टैबलेट इन्हें खिला दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, इन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है भाई साहब, बेकार ही परेशान हो रहे हैं। परेशान तो होंगे ही, वो बाहर से कितने भी स्ट्रॉन्ग लगे, वो अंदर से 5 साल के छोटे बच्चे जितने मासूम हैं। आप लोग इतने सालों से अलग रहे, इससे रिश्तों की अहमियत कम नहीं हो जाती। मुझ जैसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो, मैं इसके लायक नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, सब लोग सो गए होंगे। उस बैल को कोमा से जगाकर गेंडे के पास ले जाता हूँ। ए, जाग जा बैल भैया, चल उठ बे, ऐसा चक्कर घुमाऊंगा कि हमेशा के लिए जाग जाएगा। ये ले पी ले, कटक जा, ड्रिंक मैन, वेरी गुड। जाग गया मंद बुद्धि, इसे दवा दारू की नहीं सिर्फ दारू की जरूरत थी, ये डॉक्टर भी नहीं जान पाए। डॉक्टर? यस आई एम डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट, टेक दिस। पता है तुम्हें उठाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाया, अब तुम्हारे तीनों भैया आ रहे होंगे, वो फिर तुम्हें कोमा में ले जाएंगे। तो अब क्या करें? मैं तुम्हें इस रूट से सीधे तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा, चलो। ओह, लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो कोमा में जाने की एक्टिंग कर लेंगे। अरे वाह क्या आइडिया है, इतने इंटेलिजेंट होकर कोमा में क्या झक मार रहे थे, आओ। ये ओवर एक्टर मुझे मरवा के रहेगा, अगर ये पेडी रेडी तक पहुंच गया तो बाजी हाथ से निकल जाएगी, किसी तरह इन्हें रोकना होगा। ये क्या गंगाराम जी, इतने अच्छे मौके पर शराब पी रहे हैं, आप ये किस वजह से कर रहे हैं? उस टिंगू की वजह से। टिंगू मतलब हमारे राजू जी? हाँ वही, पहले मेरी बेटी को भगाकर ले गया, फिर धमकी दी कि मौका पड़ने पर दूसरी बेटी को भी ले जाएगा, देख लूंगा मैं किसी दिन उसे। किसी और दिन क्यों, अभी किस्सा खत्म कर देते हैं। इस वक्त सब लोग घर में हैं। सब लोग गहरी नींद में हैं और वो टिंगू खुला घूम रहा है, वो देखिए, ये रही तलवार, वो रहा शिकार, कर दो बेड़ा पार। अब तो तू क्या। ए प्रभाकर, आज रात में उस टिंगू का काम तमाम कर दूंगा, अपने दोस्त को उसकी डेड बॉडी गिफ्ट में दूंगा। मुच्छर गंगू इधर ही आ रहा है, मुझे काट देगा। ये कहां से आ गए? सारे डिटेल्स अभी चाहिए, जल्दी से कोमा में जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर छिपता हूँ। तुम्हारा प्लान क्या है? हम इंदु को किडनैप करेंगे। हाँ, हम खुद ही उसे किडनैप करेंगे। इससे पहले कि इंदु कार्तिक से प्यार करने लगे, हम उसे यहाँ से दूर भगाकर ले जाएंगे, यही ठीक रहेगा। वैभव बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा है और मेरे हाथ में क्लोरोफॉर्म इंतजार कर रहा है। तो ये इनकी चाल है। सुनो दामोदर, प्लान के मुताबिक आज रात को ही हम इंदु को यहाँ से किडनैप कर लेंगे और अगर कार्तिक बीच में आया तो उसे मार देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ कार्तिक की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पापा पापा, पिताजी दरवाजा क्यों खटखटा रहे? हे भगवान, ये तो भाई की आवाज है। ये बुली यहाँ कैसे आ गया और पिताजी कहाँ हैं? फिर दरवाजा किसने खटखटाया? कुछ तो गड़बड़ है, पहले इसे इसके कमरे में ले जाते। हाँ। कोमा में था फिर भी वजन कम नहीं हुआ। लगता है टिंगू भाग गया। हुँ?
अरे वाह, बिल्कुल असली लगता है। इस फोन की घंटी ने मेरी घंटी बजा दी। इंदु कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, लगता है बेहोश हो गया। हाँ, ये फिर से कोमा में तो नहीं चला गया? डॉक्टर आप, मुझे लगा कोई और आ गया है। वाह, साउथ फिल्मों में सक्सेसफुल हो जाओगे। वो गंगाराम एक बुलडॉग की तरह मेरा पीछा कर रहा है, थोड़ा संभल कर जाना होगा। चलो ठीक। सत्यानाश, मैंने कौन सी इसकी भैंस चुराई थी? फिर से कोमा में जाओ जाओ। अभी पकड़ूंगा। पापा पापा, आपका बुल्ली कोमा से बाहर आ गया। पापा देखो ना पापा, इस घर में कोई भी मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा। भाई मुझे बार बार बेहोश कर देते हैं, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? पापा इधर देखिए, आपका बुल्ली इधर है। पापा क्या पापा, आप भी कोमा में चले गए क्या? कुछ तो बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। ए, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसको बिना व्हील चेयर के यहाँ कौन लेके आया? पिताजी, इसे कोमा में चलने की बीमारी हो गई है। इसे अपने कमरे में ले जाकर सुला दो। जी अभी ले जाता हूँ। लगता है ये सब टिंगू ने किया है। उस टिंगू को लंबा करके ही छोड़ेंगे। सुपर। ए, अब सबके सामने पोल खोलने का वक्त आ गया है। घर वालों के बल्ब फ्यूज हो जाएंगे और पापा का भेजा बम की तरह धड़ाम उड़ जाएगा। चलो काले गेंडे, तैयार रहना। बुली रेडी, पेडी रेडी एंड फैमिली, कम ऑन इमीडिएटली, कम ऑन आई सेड। मैं छोटी बुद्धि के पेंगुइन, क्यों बिना पूछ के बंदर की तरह शोर मचा रहा है? अगर मैं आपको बिना पूछ का बंदर दिखता हूँ तो आप भी बिना सूंड के हाथी से कम नहीं लगते। कुर्ता सिलवाने के लिए किलोमीटर में कपड़ा लगता होगा। ये दांतों से कट 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 करने का साउंड इफेक्ट मत दो, इरिटेट होता है मुझे। हाँ क्या, ये रात को 11 बजे से आपको ढूंढ रहा हूँ और अब जाकर सुबह के 3 बजे मिले हो? और ये इस घर की बहुएं हैं या खतरनाक चुड़ैले? तुम्हारी औलादें भी तुम्हारी तरह जल्लाद हैं। बुल्ली के असली गुनहगार को मुट्ठी में छुपा रखा है और मुझे बकरा बनाया। तुम सब जानवर हो, इस घर में एक ही इंसान है और दिल का अच्छा है, बुली भैया। ए, हेडलाइंस मैंने सुना है, अब बुलेटिन बुली भैया देगा। बुली भैया बुली करो, कोमा से निकलो और सबको ब्रेकिंग न्यूज दो। इतना फुटेज मत खाओ, अपने पापा की आंखें खोल दो। अरे कुछ तो बोल, अपना मुंह खोल, सच्चाई उगल के फिर सो जा बेटा। मुझे जीने दो, मुझे एक और मौका दो। बुली रेड्डी अभी उठना, तेरी माँ को प्रणाम करता हूँ। बुली रेड्डी उठ जा, तेरी बहन की शादी में बैंड बजाऊंगा। उठ जा तेरी, तेरी। ए, तेरे बेटे पर पैर उठाया। अंकल ये तो सिर्फ सैंपल है, जब इसे किसी बात पर गुस्सा आता है ना तो ये बुल्ली को बेल्ट से भी मारता है। ससुर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मारो इस खूनी दरिंदे को। एक बात समझ में आ गई, ये कभी जागेगा नहीं और मैं कभी बचूंगा नहीं। कंटिन्यू। हो ना हो ये उस टिंगू की फोटो होगी। अरे जरा देखो, यहाँ कोई फोटो उड़कर आई है क्या? जवाब तो दो, मुझे लगता है वो बुली को कोमा में पहुंचाने वाली की फोटो है। ए, तुम्हें यहाँ कोई फोटो मिली है क्या? फोटो नहीं तो ठीक है, तुम अपना काम करो, लगता है उड़कर कहीं और चली गई होगी। आप जानती हैं मैंने आपके बेटे को मारा तो मुझे बचाया क्यों? बेटा मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि मेरे बेटे को कोमा में किसने पहुंचाया है। आज मैं इस बात से ही बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी की दोबारा शादी होने वाली है। 4 जवान बेटे होने के बावजूद कल्याणी की शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरे 5वें बेटे ने ये कर दिखाया।
मिक्स्ड अप। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सीबीआई ऑफिसर श्रीमन नारायण रिपोर्टिंग सर। हम इस वक्त पेड्डी रेड्डी के घर पर है सर। गांव वालों से छीनी हुई 1000 एकड़ जमीन अभी तक पेड्डी रेड्डी के नाम पर है सर। हम सिर्फ एक और दिन रुकेंगे, फिर पेड्डी रेड्डी को अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद गंगाराम रेड्डी की इंक्वायरी शुरू करेंगे। दिस इज मोस्ट क्रिटिकल सीबीआई इन्फॉर्मेशन सर। सीबीआई काम हो गया। पेड्डी पेड्डी सुनो, सीबीआई वाले आए हैं। वो लोग उसे ही अरेस्ट करेंगे जिसके नाम पर वो 1000 एकड़ जमीन है। उसे नाम पता चल गया, अब क्या करें? जल्दी से जल्दी वो जमीन मेरे नाम पे कर दो। अगर तुम अरेस्ट हो गए तो तुम्हारी फैमिली खुद को बेसहारा महसूस करेगी, और अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो मुझे बाहर निकालने के लिए तुम हो। मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था जबकि तू मुझे बचाना चाह रहा है। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, मुझे माफ कर दो। गंगाराम, या तो हम दोनों बाहर रहेंगे या साथ में जेल जाएंगे। सॉल्यूशन सिंपल है, आप लोगों ने यह जमीन जिन लोगों से ली थी फिर से उन्हें लौटा दीजिए। ये कैसे हो सकता है बेटा? बात एक दो की नहीं, पूरे 1000 एकड़ की है। क्या अंकल, आप अपने दादाजी का नाम इतनी इज्जत से लेते हैं। लोग उनकी पूजा करते थे लेकिन उनकी दौलत की वजह से नहीं, उनके नेक कामों की वजह से। अंकल, हमारे बुजुर्गों का अस्तित्व सिर्फ पुतलों में नहीं होना चाहिए, हमारे आदर्शों में भी होना चाहिए। इस सारी दौलत और शोहरत का क्या फायदा होगा अगर आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये याद रखिए कि उम्र के इस पड़ाव पर 1000 एकड़ जमीन नहीं, हजारों दुआएं चाहिए। अब तक लोगों को सिर्फ डर के मारे सिर झुकाते हुए देखा था, पहली बार किसी ने सिर उठाकर हमें नेकी का रास्ता दिखाया। तुम जो कहोगे वही होगा। तो आप सब लोग उस देवता के बारे में जानना चाहते थे ना जिसने हमारी आंखें खोल दी? वो देवता और कोई नहीं बल्कि ये है। हेलो कार्तिक, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, जो तुम चाहते थे वही हुआ, मैं तुम्हारा फैन बन गया। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी आज नहीं तो कल तुम्हें आई लव यू जरूर कहेगी, लेकिन तब तक मैं उसे ये शॉर्ट फिल्म दिखा दूंगा। आप जानती हैं मैंने आपके बेटे को मारा तो मुझे बचाया क्यों? मेरे बेटे को कोमा में किसने पहुंचाया है? आज मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बेटी को फंसाने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें फंसाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये वीडियो मैं पेड्डी रेड्डी को दिखा दूँ ना तो वो तुम्हारी ही नहीं अपनी बेटी की शादी भी रुकवा देगा और बिना कुछ सोचे दोनों परिवार को बर्बाद कर देगा। रुको, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। और मेरी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। वेरी गुड, मुझे तुम्हारा ये कमिटमेंट अच्छा लगा। किसी गैर की शादी के लिए तुम अपना प्यार कुर्बान कर रहे हो। मैं चला जाऊंगा। कहाँ जा रही हो? आशिक से मिलने के लिए। इंदू रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इंदू रुको, अगर तुमने तुम्हारा नाटक बंद नहीं किया ना तुम। मालिक, दादाजी की मूर्ति टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए, ये मूर्ति मेरे हाथों से टूटी है। हाँ अंकल, इसी ने मूर्ति तोड़ी है। हमारे पुरखों की इस इमारत को हमने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। जिस किसी ने भी इसे तोड़ने की जरूरत की है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ।
बार तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आज अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होता तो उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। इस बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में दाग देता। जाओ तुम सब लोग। I love you. मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान किया। आज फिर तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ले लिया। मेरे प्यार से ज्यादा सच्चा तो तुम्हारा प्यार है। दो दुश्मन परिवारों को फिर से एक करके इस शादी को करवाने का नेक काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कार्तिक। नहीं इंदु, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया। इंदु, जिंदगी में कोई भी फैसला दुखी होकर या गुस्से में नहीं करना चाहिए। इससे किसी का भला नहीं होता। तुमने आज मुझसे जो कुछ भी कहा वो दोबारा मत कहना, संभल नहीं पाऊंगा। अब जब इंदु तुमसे प्यार करने लगी है, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है, तो तुमने उसे किस वजह से इनकार कर दिया? जिंदगी में इंदु को पाने के लिए कल्याणी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता था। मैंने इंदु का दिल जीता क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन धनंजय को मेरी असलियत का पता चला और उसने मेरी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसने सबको सच बताने की धमकी दी। तुम तो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हो, पर क्या इंदु ये दर्द बर्दाश्त कर पाएगी? मैंने पेडी रेड्डी की बेटी की शादी करवाने का वादा किया है, फिर चाहे मेरी शादी हो ना हो। ये शादी हो इसलिए एक पत्नी ने अपने पति से झूठ कहा, एक माँ ने अपने बेटों पर भरोसा ना करके एक अनजान पर भरोसा किया। ऐसी मां को मैं धोखा कैसे दूं पापा? अब इस घर में दांव पर लगी हैं दो लोगों की जिंदगियां, दो माओं की उम्मीदें और दो परिवारों के रिश्ते, और इन सब की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। इस घर में शादी की रौनक छाई है। इस घर की मुस्कुराहट और खुशियों की खातिर मैंने इंदु के प्यार को भुला दिया पापा। यहाँ हर कदम पर हजारों मुश्किलें खड़ी हैं, भाइयों के आपसी झगड़े, बड़ों में बदले की भावनाएं, और वो औरतें जिनकी जिंदगी इस शादी पर टिकी हुई है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ये शादी ना टूट जाए, कहीं अनर्थ ना हो, इस चिंता में कई रातों से सोया नहीं। आंखें बंद करता हूँ तो डर लगता है, सीने में इतना दर्द समेटा है कि हर पल हर दिन नर्क सा लगता है मुझे। बस किसी को कोई शक ना हो इसलिए हंसने का दिखावा करता हूँ। उन दो माओं की उम्मीदें मेरी माँ की इच्छा से कहीं ज्यादा जरूरी है। मॉम ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, वो मेरे फैसले से सहमत होंगी ये सोचकर मुझमें ये करने की हिम्मत आई। मैं आपका दिया वचन पूरा नहीं कर पाया, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? इंदु मेरी बहू नहीं बनेगी, इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज मेरे बेटे को दो और माओ का प्यार मिला। हर माँ चाहती है कि बेटा उससे प्यार करे, लेकिन आज मेरे बेटे कार्तिक ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। ईश्वर काबिल लोगों को ही जिम्मेदारी सौंपता है और उन लोगों की मदद भी करता है जो जिम्मेदारी को निभाते हैं। कार्तिक, अगर तू हमारी बहन की शादी करवाना चाहता है तो यहाँ आकर हमसे मुकाबला कर और दूल्हे को लेकर जा।
हिम्मत है तो आजा। क्या लगा के रखा है यार मुझसे? करती हो आई लव यू कार्तिक से बोलती हो? मुझे खिलौना समझ के रखा है यहाँ पे? होना क्या है, आपकी बेटी को कार्तिक से प्यार हो गया है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। इसके लिए मैंने उस बुली को मारा और अभी से चल भी चढ़ गई। ऐसा है मतलब मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला तू है? इसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है, मैंने इंदु से इसकी शादी करवाने के लिए ये झूठ बोला था। जानना चाहते हो तुम्हारे बेटे को किसने मारा था? उस कार्तिक ने। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? यही सच है, यकीन ना हो तो देख लो। आप जानती है मैंने आपके बेटे को मारा तो मुझे बचाया क्यों? कार्तिक जहां भी हो उसे घसीट कर यहां लाओ। मालिक वो घर पर नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप यहीं पर है मालिक। आज मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की दोबारा शादी होने वाली है। हमारे झगड़े की वजह से शादी नहीं रुकनी चाहिए। प्रवीण कहाँ है? शादी करवाने वाला तू कौन हो रहा है? मुझसे बदला लेने के लिए तुझे जितना वक्त चाहिए मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन शादी के बाद। प्रवीण कहाँ है? अब मैं उस कार्तिक को रास्ते से हटा के ही दम लूंगा। आज आप हाथ में बंदूक लेकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस दिन कार्तिक ने आपको जीवन दान दिया था। आज उसी की वजह से हमारे बेटे वापस घर आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक माँ के कितने बेटे हैं। कार्तिक जैसा एक बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है जो अपनी माँ को समझता हो। मैंने उसे जन्म नहीं दिया लेकिन वो मुझे माँ जैसा सम्मान देता है। कार्तिक को मारने से पहले आपको हम सबको मारना होगा। लेकर आओ उसे। तूने ये सोच कैसे लिया था कि हमारी बहन दुश्मन के साथ शादी करके उसके घर जाएगी? अगर तलवार उठा ली तो एक एक करके तुम सबकी लाशों का ढेर लग जाएगा। जितना जुल्म करना है मुझ पर करो, लेकिन अगर किसी ने शादी रोकने की कोशिश की तो कयामत आ जाएगी। Oh!
जी, ये हमारे भाई का गुनहगार है और आप इसे बचा रहे हैं। झूठ बोलने पर आप हमें मारने की धमकी देते हैं ना? भाई को कोमा में पहुंचाने वाला यही था। झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाने वाले इस आदमी को आज हम नहीं छोड़ने वाले। नहीं, 10 लोगों को मारने वाला या उनका सिर काटने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि घर की औरतों की जज्बातों को समझने वाला ही मर्द होता है। घर पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाई, लेकिन कार्तिक पर उन्हें यकीन था। दुश्मनी और बदले की भावना में हम तुम्हारी बहन की शादी तक भूल गए, पर कार्तिक ने यह सब प्रेम की वजह से किया। शिवा रेड्डी, हमारे बीच प्यार जगाने के लिए इसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। जानते हो इसने आखिर में क्या किया? तुम्हारी मां की खातिर अपनी मां के अरमानों का गला घोट दिया। कार्तिक, तुम ये शादी करवाना चाहते थे, उसके लिए हम सब से दुश्मनी मोल ली और कभी पीछे नहीं हटे। अपनी जान को दांव पर लगाकर तुम इस घर में रुके रहे, वो भी अपने दुश्मनों के बीच। तुमने इस हाथ से थप्पड़ खाकर भी अपना सिर इज्जत से झुकाए रखा, घर के बड़े बेटे की तरह इस घर की जिम्मेदारियों को निभाया। बेटा, ना तो तुम हम सबके दोस्त थे, ना ही हम सबके रिश्तेदार, फिर तुमने इस परिवार के लिए इतना सब क्यों किया? मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा अस्तित्व मायने नहीं रखता, बस सच्चाई मायने रखती है। दो दोस्त दुश्मन बन गए, परिवार एक ना हो पाए और ये शादी टूटी, इसकी वजह सिर्फ मैं था। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि दोनों परिवार मिलकर इस शादी को मंजूरी दे दें। दुश्मन को खत्म करने वाला विजयी कहलाता है, पर दुश्मनी को खत्म करने वाला तुम्हारे जैसा इंसान इतिहास बनाता है। देखिए अंकल, ठीक से नहीं धो रहे हैं। धो रहा हूँ। तो सब खुश हो ना? अब मैं भी चलता हूँ। रुक जाओ डेडफोर्ड, पहले इसे कोमा से जगाओ फिर तुम निकलो। इसे कोमा से जगाऊं? हलवा है क्या? ये क्वार्टर पीकर नहीं सोया है? एक और कहानी सुनाओ राजू जी। फ्री में भी नहीं।